हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका गार्डनिंग विद इनाम में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको रोड साइड नर्सरी विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है पौधे यहाँ मिल रहे हैं। ये सब जो है शो प्लांट है, आप देख सकते हैं जो भी आप पौधे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब शो प्लांट है। इसमें कोई भी फ्लावर देने वाला यहाँ पे ये इसमें प्लांट आपको नहीं दिखेगा। क्या प्राइस है सबको? इसका प्राइस है 60 रुपया। 60 रुपया। और ये चाइना पाम है जो 60 रुपये का आता है, ठीक है। ये मनी प्लांट है बड़ा पत्ती वाला, हाँ। जो 80 रुपये का आएगा, ठीक है। और ये बेंगलोर वैरायटी क्रोटन है जो 120 से लेके 150 तक आता है, ठीक है। और ये डेसीना है, डेसीना ये 80 रुपये का आएगा। और ये पिंकी है, पिंकी टॉप स्नो, हाँ टॉप स्नो है, डिफेंट पेचिया की वरायटी है, वो 120 का आता है। और ये अमरूद है 1 kg L49, जिसका फल बड़ा होता है। और वो क्रिसमस ट्री है, इंडोर आउटडोर कहीं लगा सकते हैं। और ये एरिका पाम है, वो ऑक्सीजन देता है प्लांट, इनमें लगा सकते हैं, 60 रुपये का आएगा। और वो लेंगे रबर प्लांट है बड़ा पत्ती वाला, वो 120 रुपये का है, इंडोर प्लांट 120 रुपये का रबर प्लांट। आइए तो देखिए 20 के बारे में बताइए, 20 के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है ये बीज रखे हुए हैं, इसमें ये खाद बात भी है जो समय समय पे जो है पौधे में ज़रूरत पड़ती है। तो ये बताइए कौन कौन सा बीज है? ये बोरो का बीज है। अच्छा, ये बोरो का है, ये नेनुआ का है, नेनुआ है, ये हरा बोरो है, ये झिंगनी है, करेला है, भिंडी है, सीम है, वाइट वाला, हरा वाला, कद्दू है, गोल वाला, लंबा वाला, और पालक, ये पालक का है। अच्छा, ये पालक है जी। अच्छा, ये वो लाल साग का है, लाल साग, उसके बाद ये वो हरा साग, हरा साग, और ये वो धनिया। अच्छा, ये धनिया है जी। ये जो है आप जो है लकी बम्बू है, बम्बू है, इसका क्या प्राइस है? इसका 190 रुपये का है। ये 190 रुपये का है। ये स्नेक प्लांट का बहुत छोटा सा, आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है इसको ड्वार्फ भी कह सकते हैं, ये स्नेक प्लांट का जो ड्वार्फ वैरायटी है। ये कितने का आप दे रहे हैं? 110 का। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो है तमाम पौधे इस नर्सरी में आपको दिख रहे हैं। बहुत बड़ा नर्सरी नहीं है, बहुत छोटा नर्सरी है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है प्लास्टिक जो है पॉट है अलग अलग साइज में है, तो इसके अलग अलग रेट भी होंगे। आप देख सकते हैं नर्सरी जो है वो काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नर्सरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि रोड साइड ये जो है नर्सरी है, बहुत छोटा सा नर्सरी को जो है यहाँ पे लगाया गया है। और जो भी पौधे हैं वो सिलेक्टेड पौधे हैं जो आप अपने घर में अपने गार्डन में इस तरह के पौधे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं कि जो भी आपको ये प्लांट दिख रहे हैं सारे फ्लावर प्लांट हैं। इसमें जो है अपने हिसाब से भी, जैसे गर्मी का सीज़न है तो जो परमानेंट प्लांट है उसमें हर वक्त जो है इस तरह के आपको फ्लावर जो है देखने को मिलेंगे। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह के जो है पौधे लगा सकते हैं जो परमानेंट पौधे। कुछ इसमें जो है सीजनल पौधे भी दिख रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परमानेंट प्लांट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये रंगन का वैरायटी है, जिसका जो फ्लावर का साइज वो काफ़ी बड़ा, इससे और बड़ा ये खिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये अलमंडा है, ये अलमंडा जो है किस कलर में है? ये अलमंडा पीला कलर का, पीला कलर का जो है ये आप अलमंडा देख रहे हैं। दूसरा जो है ये आपको चांदनी है, जो इसमें सब फ्लावर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नींबू है, लेमन, ये हजारा नींबू शायद इसको बोलते हैं, ये हजारा नींबू। कितने का है ये? 120 रुपये का ये हजारा नींबू है। इसको आप अपने पॉट, मतलब पॉट पे भी आप इसका लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉस्मस है, कॉस्मस का ये जो है फ्लावर आप देख रहे हैं, ये परमानेंट तो नहीं, ये सीजनल फ्लावर है। ये परमानेंट में आपको ये रुक मिनी आ जाएगा, ये रंगन जो है, रंगन मिनी रंगन है, ये मिनी रंगन है, मिनी रंगन का ही वैरायटी है। ये मनोकामनी है, मनोकामनी, ये गंधराज है, गंधराज का है ये पौधा। तो ये जो भी पौधे हैं ये सब के सब जो है परमानेंट प्लांट है। आप इसको अपने गार्डन में कहीं भी जगह दे सकते हैं, और एक बार आप लगा दिए तो सालों साल आपको फूल खिलने को मिलता रहेगा। आपका घर, आपका गार्डन जो है हमेशा खूबसूरत और
सजा मतलब बेहतरीन जो है एक माहौल क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आउटसाइड जो है रोड साइड नर्सरी को हम आपको दिखा रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।